प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का किया उद्घाटन। समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा। पीएम मोदी ने कहा कि आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी ने बात करते हुए कहा कि 10 साल में भारत 11वें स्थान से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन ये मेरी गारंटी है आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा शामिल। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन किया शुरू। पार्टी जीत पक्की करने के लिहाज से 48 लोकसभा सीटें, जहां पिछली बार जीत हार का अंतर 2% से कम रहा, पर उतारेगी कद्दावर नेता। संसद से 140 से अधिक विपक्षी सांसदों के निलंबन के बारे में पूछे गए सवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, एक नई परंपरा सामने आई है जहां कोई पहले से घोषणा कर देता है कि आज विधायिका को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। असम के कामरूप में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि अनुसूचित जाति के साथ इतना अन्याय करने के बाद कांग्रेस आज न्याय यात्रा निकाल रही है। सीएम योगी ने बरेली में 3,405 करोड़ रुपए की 170 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी किए वितरित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को किया अस्वीकार। पार्टी की तरफ से बयान जारी कर दी गई जानकारी। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के राम मंदिर पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा, राम सबके हैं और सब राम के हैं। 500 वर्षों बाद आज वो समय आया है जब पूरे भारत में है उत्साह और उमंग। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने काशी के डोमराज को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया है। न्यास ने पूरे आदर के साथ घर जाकर डोमराज को आमंत्रण दिया है। एटा के जलेसर वासियों की तरफ से बुधवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2400 किलो का घंटा सौंपा गया। दावा किया जा रहा है कि एक ही ढलाई में बने इस घंटे की आवाज 10 किलोमीटर तक जाएगी। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर, सोशल मीडिया पर रहेगी नजर। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के लिए जारी किए अहम दिशा निर्देश। वाराणसी की फाइन आर्ट्स की छात्रा ने 2700 किलो से बनाई राम मंदिर की भव्य आकृति। 26 घंटे में तैयार इस आकृति का नाम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट शरद कुमार त्रिपाठी ने 6 साल पहले के उपद्रव मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत 28 लोगों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। यूपी में मदरसा टीचरों को अब नहीं दिया जाएगा मानदेय, केंद्र के द्वारा इसे पहले ही बंद कर दिया गया था। लखनऊ के गोमती नगर में 1090 चौराहे पर लगेगा ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉडल को लगाने की दी स्वीकृति। सपा विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले बसपा और सपा की राहें फिर मिलने की संभावना के दिए संकेत, कहा, मायावती बड़ी नेता, सब उनका सम्मान करें। 5 साल पहले हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रोहित शुक्ला हत्याकांड में आज एडीजे कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुंबई की तर्ज पर गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पॉड होटल तैयार हो गया है। रेल प्रशासन ने कहा कि यात्रियों के लिए इसे इसी महीने के आखिरी सप्ताह से खोल दिया जाएगा।